आदाब 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 गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी फिट हैं एनर्जेटिक हैं ब्रेकफास्ट एट होम में आपको कहेंगे हम खुशामदीद चाहे आप हमें ग्लोबल पे देख रहे हैं यूएसए में यूके में या पीटीवी होम पे पाकिस्तान में आप हमें देख रहे हैं सुबह सुबह देख रहे हैं या दोपहर में देख रहे हैं हम सबको कहेंगे वेलकम अगर सुबह में देख रहे हैं तो हम आपकी सुबह एनर्जेटिक बनाने के लिए आ गए और अगर आप हमें दोपहर में देख रहे हैं तो हम दोपहर का एनर्जी का डोज देने आपको आ गए इसलिए कि आफ्टरनून में भी एक हल्का सा एनर्जी का बूस्टर चाहिए होता है बिला वजह बगैर किसी वजह के भाई जरूरी है कि आप लो फील करें आप डाउन हो आप डिप्रेस्ड हो आप थकावट महसूस कर रहे हो और तब आपको एक एनर्जी का बूस्टर चाहिए नहीं बिला वजह भी कभी कभी एनर्जी का बूस्टर लेना चाहिए और बिला वजह की चीजों से भी लेना चाहिए मिसाल के तौर पर कोई भी चीज आपको एनर्जी का बूस्टर दे सकती है आपको ये ख्याल भी एनर्जी का बूस्टर दे सकता है कि आपने अपनी किसी खाला को या फुफ्फो को कितने अरसे से मिलने नहीं गए उनको इस वीकेंड पे मिलने जाना है ये ख्याल खाला और फुफ्फो को मिलने की जो खुशी है वो तो बाद में आएगी वो एक सोच एक ख्याल ही आपको खुशी दे सकता है तो ऐसे में ये जरूरी है कि उस एनर्जी के बूस्टर को सोचना शुरू कर दें मिसाल के तौर पर आज मेरा एनर्जी का बूस्टर क्या है आज मेरा एनर्जी का बूस्टर यह है कि आज शो के बाद हम बहुत मजे का नाश्ता करने वाले हैं अब वो नाश्ता सरप्राइज है मेरे लिए एनर्जी का बूस्टर क्या है क्या उसमें निहारी होगी उसमें पाए होंगे उसमें चने होंगे उसमें कोई जरा अंग्रेजी किस्म का ऑमलेट होगा या उसमें फ्रेंच टोस्ट होंगे क्या होगा ये ख्याल ये सोच ये सोचना कि इनमें से क्या चीज होगी यही आपको एनर्जी का बूस्टर देता है तो जरूरी नहीं है कि आप एक्चुअली वो अमल करें उसका ख्याल भी आपको खुशी दे सकता है इस बारे में जरूर सोचिएगा और अपने एनर्जी बूस्टर को ढूंढिएगा सोचिएगा आज डॉक्टर नौशीन अपना सेगमेंट लेके आ रही हैं और आज उनसे भी हम पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि क्या अगर हमें कैलोरीज से हम जान छुड़ाना चाह रहे हैं और कम कैलोरीज हासिल करना चाह रहे हैं तो क्या ये मुमकिन है कि हम सिर्फ निहारी के बारे में सोचें और निहारी का मजा भी मिल जाए लेकिन निहारी की कैलोरीज भी ना लगे ये सिर्फ डॉक्टर नौशीन ही बता सकती हैं वो हमारे साथ होंगी और उसके बाद उसके उससे पहले इनफैक्ट गौहर मेरे क्लास फेलो हमारे साथ होंगे और आज वो हमें चांद के बारे में बता रहे हैं ये चांद जो शायरी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है चांद जो फिल्मी गानों में गीतों में इवन गजलों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये वो चांद है जिस जैसी दुल्हन लेके आने की हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने चांद से बेटे के लिए चांद से दुल्हन लाने के लिए लेकिन टेक्निकली चांद क्या है और इसका हमसे क्या रिश्ता है ये आज हमें गौहर बताएंगे और जनाब इसके अलावा आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जब 40s और 50s में हम दाखिल हो जाते हैं तो उमूमन ये बात होने लग जाती है कि हाँ रिंकल फ्री चेहरा कैसे हो हम एजिंग से कैसे बच सकते हैं तो क्या ये सब जरूरी है और क्या ये बहुत बड़ी बड़ी मशीनी किस्म के फलाने इंजेक्शन और फलाना लेजर ट्रीटमेंट और इसके बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है अच्छे खूबसूरत प्लेजेंट से चेहरे के साथ ये सब जिंदगी का अब हिस्सा बन गए हैं हर दूसरे मॉर्निंग शो पे हम बैठे देख रहे होते हैं कि हमें जवान हसीन खूबसूरत रिंकल फ्री फ्रैकल फ्री चेहरों की तरफ हर शख्स दौड़ रहा है इस दौड़ को रोका जाए तो क्या लाइफ खत्म हो जाएगी इस हवाले से हम एक एक्सपर्ट से आपकी बात करवाएंगे तो ये है सब हमारे पास आपके लिए आज के ब्रेकफास्ट एट होम में बट लेट्स स्टार्ट With trainer Tehmina and trainer Kashif. Walaikum assalam. Walaikum assalam. जी जनाब आज क्या है आपके पास हमारे लिए तो बड़ा जबरदस्त सा है काम क्योंकि गौहर आज मेरे बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं गौहर आपके बारे में बात करने जा रहे हैं और डॉक्टर नौशीन तौसीक भाई क्या कढ़ाइयाँ निहारी और ये वो फिर डॉक्टर नौशीन उनके हवाले करते हैं वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं आज का जो हमारा वर्कआउट है शोल्डर्स का वर्कआउट है उसमें हमारे पास 6 एक्सरसाइजेस का बुक है पूरा तहमीना बताएंगी अच्छा जो हमारी ये 6 एक्सरसाइजेस है वो आर्म्स भी इन्वॉल्व हैं आपके और उसके अलावा आप यानी बैक भी यानी बैक की अपराइट जो बैक है आपका ये वाला मसल और उसके अलावा जो आपके आर्म्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं आप वार्म अप कर लीजिएगा ठीक है कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी वार्म अप रूटीन है अगर आप यू नो जॉगिंग कर रहे हैं या स्किपिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ है तो अगर आप आर्म्स को भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें अगर आप कहीं पर भी जिम में जब आप शोल्डर्स की या आर्म्स की एक्सरसाइज करते हैं तो सर्दियां हैं तो काफी आपके लिए सेफ रहेगा खासतौर पर जब आप आर्म्स ट्रेनिंग कर रहे हो या शोल्डर्स ट्रेनिंग कर रहे हो या बाजू
बाजू के पट्टे, शोल्डर के पट्टे, तो आपने इस मसल को, शोल्डर के मसल को ज्यादा वार्म अप करना है 5 से 10 मिनट ताकि इंजरी के चांसेस कम हो। और काफी ऐसा भी नहीं आजकल फील हो रहा, मतलब इवन बीइंग ट्रेनर भी, कि काफी मसल्स पुल हो जाते हैं शोल्डर में, तो उसके लिए भी शायद जरूरी है, जरूरी है वार्म अप करना। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पहली एक्सरसाइज जो है हमारी, वैसे हम आपको फ्रंट रेजेस या लेटरल रेजेस बताते हैं, आज हम कंबाइन कर रहे हैं। काशिफ के पास 8 किलो का वेट है तो उनका ज्यादा डिफिकल्ट है, सो यू डू फ्रंट रेज एंड देन यू डू ये तो बहुत ही कंफ्यूजन का मुरक्कब है ये वाकई में कंफ्यूजिंग है। और वो जो कुछ दिन पहले भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी की, यानी अब देखिए अगर आपको मैं कहूंगी यूं कर लें तो आसान है, आसान है, लेकिन वो जो कोऑर्डिनेशन है लेफ्ट टू राइट, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होगी शायद लोगों के लिए। बट हाँ, बैक वक्त फ्रंट और बैक मसल ट्रेन करें, साइड मसल शोल्डर का, तो वो आपका साइड शोल्डर और आपका फ्रंट शोल्डर जो है इकट्ठा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, स्पेशली जब आपके पास इतना हैवी वेट है। तो अब आपने करना क्या है कि लेकिन इतना औखा होने की जरूरत क्या है, हम साइड अलग से और फ्रंट अलग से क्यों ना कर लें? चैलेंज चैलेंजिंग है, और आपकी जो फोकस है ना, आपकी दूसरी वर्जिश की हरकत में आप चाहते हैं कि आपका फोकस बने और आपकी बॉडी कनेक्शन रहे, उसके लिए कंफ्यूजिंग वर्जिश की हरकत बहुत जरूरी है। तो सीख भाई, अच्छा अगली हरकत की तरफ चलते हैं अभी ना। अगली हरकत की तरफ हम बिल्कुल चलते हैं, तो जो अगली एक्सरसाइज है दैट्स बेंट ओवर रो। अच्छा, बेंट ओवर रो यूजुअली हम यूं करते हैं जो कि बैक एक्सरसाइज है, लेकिन अभी चूंकि हम करेंगे रेड, तो मैं थोड़ा सा हम साइड भी हो जाते हैं ताकि हम एक दूसरे को ये ठीक है तो दिखा देता हूं। जी प्लीज, ताकि वो आपको नजर आए जो रेड डेल्टॉइड्स का होता है कि ये जो पिछला पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाले रेड डेल्टॉइड्स है शोल्डर का, ये मसल है, तो इसके लिए एक्सरसाइज होती है और इसका एंगल भी बड़ा डिफिकल्ट है। और अगर आप दिखा सकें, इसमें आपने थोड़ा सा डायगोनल रखना है डंबल को जी, आपका जो मुक्का है फिस्ट आपने ऐसे जाना है जी, ना कि आपने ऐसे जाना है आप। अच्छा, इसमें दो तीन तरीके हैं काशिफ, जैसे आपने अब आप भी बता रहे हैं, मैं मेरी बेसिकली ग्रिप ऐसे है काशिफ की दूसरी तरीके से, और फिर रिवर्स ग्रिप भी है अगर आप रिवर्स करना चाहें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ट्रेन करना जरूरी है आपके ग्रिप प्लेसमेंट से। ये होता है कि आपके डिफरेंट मसल्स रिक्रूट होते हैं जी, तो आप डिफरेंट एंगल से मसल को ट्रेन करते हैं और चैलेंज भी है ऑब्वियसली आपका। अच्छा, नए मसल्स बनते हैं डिफरेंट एंगल्स के जी जी, और उसमें फिर ये कि आपकी जारी बात है बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, तो यू हैव टू चेंज। इस बात का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा बाजू है तो इसमें हजारों लाखों करोड़ों छोटे छोटे मसल्स हैं, छोटे छोटे टिश्यूज हैं, मसल के टिश्यूज हैं, वो डैमेज होते हैं, अगर हम उनको मुख्तलिफ एंगल से ट्रेन करते हैं तो वो टूटते हैं, जुड़ते हैं, रिकवर होते हैं, और आपकी ग्रोथ ऑफ विंडो, आपकी न्यूट्रिशन क्या है उसकी, आप उससे आपकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। अच्छा, अगली एक्सरसाइज जो है कि आर्नल्ड प्रेसेस, ठीक है, तो वो आपकी ये पोजीशन है, यूजुअली आप ओवरहेड प्रेस या शोल्डर प्रेस यूं करते हैं, बट हमने इस तरह ग्रिप लानी है फ्रंट पे एंड देन यू गो ऑल द वे अप एंड देन यू कम डाउन, ये रिवर्स किया बिल्कुल फेस के सामने आप इसको ट्विस्ट करेंगे और आप ऑल द वे आप जाएंगे। इसमें ध्यान रखना अपना चेहरा ही ना बीच में पंच हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभार हम भी कर जाते हैं आप राइट रोज में इस तरह से, तो यू हैव टू मेक श्योर। थोड़ा सा साइड पे आके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपने तो सीख भाई ने जो बात की अपने आपको मारना दे, तो आपने यहाँ डंबल लाने, यहाँ एल्बो को क्लोज करना, अपने बाजुओं को जोड़ के अब लॉक कर देना, अब आपको लगने के चांसेस नहीं है, लेकिन बैक ड्रॉप नहीं करनी आपने। और स्टैंस देख ले मेरा ऐसे, फ्रंट फुट निकाल के और फिर ऑल द वे अप, रोटेट जी, जब आप ऊपर जाएं सांस छोड़ें, जब आप नीचे आएं सांस रोके, और काशी बैठ के भी कर सकते हैं अगर आप ये एक्सरसाइज जो है खड़े होकर नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी बेंच पे ऐसे बैठ भी जाएं तभी आप कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आपकी कमर में मसला है, दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, तो आप टेक लगा के कीजिए, या एक बेल्ट मिलती है, बेल्ट बांधना मत भूलिएगा या टेक लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, अगली जो एक्सरसाइज है हमारी वो है डब्ल्यू रेजेस, इसको बेसिकली कहते हैं, तो वो ये आपका आपकी एंगल पोजीशन चेंज हो गई आपकी, तो यू गो अप लाइक दिस, ठीक है जी बिल्कुल, वेरी हैवी, ये अप बिल्कुल, क्योंकि काशिफ के पास अभी हैवी मसल है, वो सॉरी हैवी वेट्स है, और मेरे पास चूंकि लाइट है तो मेरे लिए ज्यादा इजी है कि आई कैन गो अप, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो एंगल होगा, क्योंकि ज्यादा वेट है आपके पास, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद रहे कि मेरे पास अगर हैवी वेट है तो आपने हैवी वेट की तरफ नहीं जाना जी, और ये आइसोलेशन मूवमेंट्स हैं, आइसोलेशन मूवमेंट से मुराद ये है कि जिसमें सिर्फ आपका एक पट्टा इन्वॉल्व होता है जी। कंपाउंड मूवमेंट में ये होता है, अगर आप शोल्डर्स लगा रहे हैं तो उसके अलावा कोई और मसल भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो कंपाउंड मूवमेंट्स हैं। आइसोलेशन मूवमेंट्स में हमेशा याद रखना है कि आपने लाइट वेट यूज करना है, हैवी पे नहीं जाना बिल्कुल। यानी 8 किलो को आप हैवी कहेंगे, ये हैवी है, और 5 किलो को लाइट कहेंगे या हैवी कहेंगे? नहीं, आप ये 2.5 है जी,
हाँ ढाई तीन चार इसको हम लाइट कहेंगे पांच से हैवी शुरू हो जी पांच से क्योंकि अगर तो जैसे अब काशिफ ने कहा है ना कि अगर आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं लाइक आप बारबेल के साथ कर रहे हैं या डंबल के साथ कर रहे हैं तो जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स की बात हो रही है तो थोड़ा इजी हो जाता है आपकी पोजीशंस भी कई दफा बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं तो आपके लिए इजी अगर आप ओवरहेड कर रहे हैं या शोल्डर कर रहे हैं लेकिन जब आप लेटरल रेजेस या रेयर की तरफ जाते हैं यानी बैक अपने शोल्डर की तरफ तो फिर बहुत मुश्किल हो उसमें आपको हैवी वेट की जरूरत नहीं है जस्ट आपकी मूवमेंट काम करती है स्ट्रेच thickness and squeeze that's it sir ye teen cheeze hai body builder hai ya bahut zyada aap bahut heavy hai ha bilkul ji bilkul according to strength weight use karenge bilkul to ye hamari ukse tumne one arm row karni hai isi tarah se aap khade honge sirf ek dumbbell aapne lena hai and you do up theek hai abhi isme kashif ka weight bilkul sahi hai dumbbell ka kyunki aap back bada muscle hai to isme thoda sa aapki tension honi chahiye muscle pe to otherwise usually hum ye ikatthe karte hain aur abhi ek ek karke तो 12 एक साइड पे और फिर 12 आप सोच रहे होंगे कि दूसरे हाथ को क्यों टेंशन दी हुई है बेसिकली आपका बैलेंस और आपकी ग्रिप के लिए इम्पोर्टेंट है अगर नहीं कर सकते हैं वेट तो आप अपने वेस्ट पे हाथ रख के ऑल द वे अप बिल्कुल सही उसके बाद फिर स्विच करेंगे दूसरा बाजू लेकिन आपने यूं आगे नहीं झुकना बैक स्ट्रेट रखनी है आपने कोशिश करनी है और अपने ट्रेपीजियस कोपन पे और बैक अपर बैक का मसल इन्वॉल्व है तो मैं एक दो रेप्स करके बताता हूँ तौसीक भाई और तो ऐसे इसमें भी बहुत मुश्किल है कि ये जो अभी आप एंगल देखेंगे भी कि ये सीधा यूं जाता है आप अपराइट जो यहाँ करते तो हम हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू ब्रिंग इट लाइक आप चिन के नीचे लेके आ रहे हैं इसमें अक्सर चोट लग जाती है और होता ये है अमूमी तौर पे लोग जो ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उनकी एल्बो जो है नीचे रह जाती है रिस्ट ऊपर आती है इसमें टेक्निक ये है कि एल्बो ऊपर रिस्ट नीचे होनी चाहिए ये ताकि आपके अपर बैक मसल प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए अच्छा ट्रेनर काशिफ अभी अभी हमें साथ ही साथ एक सवाल आया है काशी खान का और इनका सवाल यह है कि जो लोग गांव देहात में एक्चुअल खेती बाड़ी करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल मुकम्मल प्रॉपर खेतों में जाके काम करने का है तो क्या उनको भी इस तरह की एक्सरसाइजेज और जिम या डंबल्स या इक्विपमेंट के साथ कसरत की जरूरत जी उनको कसरत करने की जरूरत है क्योंकि इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा इनको कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं तो आपके जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बात की नए मसल्स रिक्रूट होते हैं तो आपके डिफरेंट एंगल है फॉर्म है तो उस हिसाब से आपके डिफरेंट मसल्स ट्रेन होते हैं जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंट पोजिशन में होती है तो आप वो भी करें ये भी करें आप स्ट्रॉन्गर बनेंगे और हेल्दी होंगे आई थिंक बहुत अच्छी मिसाल काशिफ ने दी है कि इस वैसे तो आप जो फुटबॉलर है या क्रिकेटर है उसकी कितनी एक्सरसाइज हो जाती है फुटबॉल के अंदर तो आपकी हर मसल आपका इन्वॉल्व होता है लेकिन फिर भी जो फुटबॉलर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं या स्क्वाश प्लेयर्स हैं वो भी जिम जाते हैं देखें अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और मैं अगर कल क्रिकेट खेलूं काफी अरसे के बाद या फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट खेलूं तो मुझे खलियां पड़ेंगी दर्द होगा क्योंकि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं मसल्स जैसे कि वो हम लोग कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस मैं कल ही इसके बारे में पढ़ी थी वो जो आप कह रहे थे ना कि सोरनेस है ये इंजरी है तो आपको पता नहीं चलता है वो भी हम इंशाल्लाह किसी दिन डिस्कस करेंगे कि जो मसल सोरनेस होती है जिसको हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस वो क्यों होती है लेकिन काशिफ ने बिल्कुल सही कहा है कि आप इवन अगर किसी भी खेल में यू नो लाइक आप क्रिकेट खेल रहे हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं कोई भी चीज़ खेल रहे हैं लेकिन हर एक्सरसाइज का जैसे अगर आप साइकिलिंग भी कर रहे हैं तो आपको सोरनेस होगा क्योंकि डिफरेंट मसल यूज होते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेनर काशिफ ट्रेनर तहमीना थैंक यू वेरी मच हैव अ ग्रेट डे हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियाँ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ गौहर मौजूद है जो हमें काशिफ सॉरी चांद के बारे में हमें बताएंगे कि उसका हमारी जमीन से और हमसे क्या रिश्ता है और ये क्या चक्कर है ये कैसे चांद जो है वो घूमता रहता है और मैं और गौहर कब चांद पे जा रहे हैं ये भी गौहर बताने वाले ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मेरे साथ मौजूद हैं गौहर मेरे क्लास फेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम गौहर क्या हाल है आपके ठीक है ठीक हूँ आज सुना आप मुझे चांद पे लेके जा रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट अच्छा चलें जी टेल अस अबाउट द मून द वन एंड ओनली द मून द मून इसको लूना भी कहते हैं
ये हमारे अर्थ के सरफेस से 33,85,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा, ये हमारे अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट है और हमारे सोलर सिस्टम की फिफ्थ बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट बहुत चीज होती है जो एक दूसरे प्लैनेट या स्टार को ऑर्बिट करती है। ये भी बताता है हमें कि अर्थ सन की सैटेलाइट है। नॉर्मली आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हम स्पेस में भेजते हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो अल्लाह ने बनाई हुई है शुरू से हैं। यानी कि मैनमेड सैटेलाइट्स वो हैं जिस सैटेलाइट के जरिए इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम भी इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, राइट? तो वो सैटेलाइट है और सैटेलाइट है वो भी ऑर्बिट करता है जमीन को, लेकिन जो मून है वो भी जमीन को ऑर्बिट करता है लेकिन वो नेचुरल है। लवली लवली। और 3,85,000 किलोमीटर्स, काफी टाइम नहीं लग जाएगा जाने में? 3 डेज। ये तो कोई मसला नहीं, खाना वाला साथ लेके जाना होगा? लेना होगा। अच्छा, जाना होगा। मैं तो रोल पराठा लेके जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, जब आप जाते हैं चांद पे तो रास्ते में आप नॉर्मल फूड खा सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। टेक्निकली आप नॉर्मल फूड इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो काइंड ऑफ कह सकते हैं कि खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आपको वो स्पेशल पैकेट्स देते हैं जब आप स्पेस में जाते हैं, उनके अंदर फूड होता है। मोस्टली वो चॉकलेट्स या स्वीट्स देते हैं ताकि आपके फैट कैलोरीज और ये मिल जाए, वो सारी आपको मिल जाए, लेकिन सॉलिड फूड्स नहीं होते, मतलब सेब शेप साथ ही लेके जा सकते हैं। ग्रेट। अच्छा जी, आगे चलेंगे। अगला पॉइंट क्या है? डार्क साइड ऑफ द मून। डार्क साइड ऑफ द मून, हम साथ मेरे ख्याल कुछ स्लाइड्स भी साथ-साथ अगर दिखाएं। वाह जी वाह, देखो जी, डार्क साइड ऑफ द मून, ये क्या है? रियलिटी में मून की दोनों साइड को सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है, ठीक है, बट मून जबकि अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एक इफेक्ट मून के ऊपर पड़ता है जिसको हम टाइडल लॉक इफेक्ट कहते हैं। इससे मून अपने एक्चुअल एक्सिस पे रोटेट नहीं कर सकता और सिर्फ वन पार्ट हम यहाँ अर्थ से देख सकते हैं, दूसरा पार्ट उधर दूसरी साइड में है। और ये इसको डार्क साइड, फार साइड या क्लोज साइड भी कहते हैं। आज तक सिर्फ ह्यूमन आई ने इसको एक स्पेस क्राफ्ट से देखा हुआ है, बट चाइना अपने मून के ऊपर एक लैंडिंग करेगा, वो डार्क साइड पे करेगा। वो डार्क साइड, अभी तक डार्क साइड पे कोई लैंडिंग नहीं हुई। नहीं। ग्रेट। और लैंडिंग्स की बात अभी हम आगे चल के भी करेंगे। अच्छा जी, अगली स्लाइड दिखाइएगा। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अनलाइक आवर अर्थ, मून के पास कोई एटमॉस्फेयर, कोई स्काई नहीं है, सब कुछ सन और स्टार्स के अलावा सब कुछ ब्लैक लगता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग, तो जाके पता करना पड़ेगा। इसलिए आपको स्पेस सूट लेकर जाना है क्योंकि इसकी वजह से अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून कॉस्मिक रेज, मीटियोराइट्स और सोलर विंड से अनप्रोटेक्टेड है। कॉस्मिक रेज और सोलर विंड्स आपको आपकी बॉडी को बर्न कर देंगे और मीटियोराइट्स आपको क्रश कर देंगे, और इन चीजों से अर्थ जो है वो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड है एटमॉस्फेयर की वजह से, हमारे एटमॉस्फेयर। इसलिए स्पेशल सूट्स है मून के लैंडिंग के लिए। ग्रेट। तो वो हर साइज में मिल जाते हैं, मतलब मेरा साइज भी होगा, आपका साइज भी मिल जाएगा? ओके ग्रेट। ये ना कि तुम्हें भी मेरे साइज का पहनना पड़े तो पता लगे मैं स्पेस सूट के अंदर गौहर को ढूंढ रहा हूँ। गौहर किधर हो? ऐसा तो नहीं हो गया ना? अच्छा जी, अ पर्सन वेटलेस ऑन मून, अ पर्सन इज वेटलेस ऑन द मून। आहा, अगर आप अर्थ के ऊपर 150 पाउंड, ये तो मुझे लगा एक ट्रेनर काशिफ है और एक ट्रेनर तहमीना है इस वक्त स्क्रीन पे, है ना? तो अगर ये वेट लेके मून पे चले जाएं दोनों तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल ये 150 पाउंड का वेट अर्थ पे उतारे तो उन दोनों को मून के ऊपर सिर्फ 24.3% पाउंड का वेट पकड़ना होगा। अच्छा, वो वेट जो है वो कम फील होगा क्योंकि मून के पास ग्रेविटी भी नहीं है। नहीं, ग्रेविटी है उसके पास, अर्थ की 1/6 ग्रेविटी है। अच्छा, तो वो वेट जो है, और ये हमने पहले भी जाना है कि ग्रेविटी वो होती है कि जिस पावर से, जिस फोर्स से जमीन की तरफ हमें जमीन हमें खींचती है अपनी तरफ, तो वो जाहिर है वो वेट जो कम महसूस होगा। तो इसमें तो ये चक्कर होगा कि मैं और गौहर जाके वेट लिफ्टिंग करेंगे, हम भी सेल्फियां बनाएंगे और आगे सबको इम्प्रेस करेंगे, है ना? ग्रेट। अच्छा जी, अगली क्या है जी? लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये क्या होता है जी?
ये मून के लैटिन नेम नेम लूना से लूनर बनता है. ये तब होती है जब अर्थ सन और मून के मिडिल में आ जाते हैं नाइट टाइम पे और फिर वो मून को ब्लॉक कर देता है. अच्छा, अर्थ जो है वो शरारत करती है, वो सन और मून के दरमियान में आ जाती है. हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मून कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा. अच्छा, हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो थ्रू रेड लाइट पार्टिकल्स को अलाउ करता है. वो पार्टिकल्स थ्रू जाएंगे, मून को हिट करेंगे, मून उसको उन पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करेगा और ये मून को उसका निकनेम देता है ब्लड मून. और जो रेडिश सा कलर बन जाता है मून का एक्लिप्स के अंदर, है ना? यस. यानी जो ग्रहण लगता है चांद को वो हल्का सा सुर्खी मायल हो जाता है, उसकी ये वजह है. हल्का नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाता है. रिसेंटली पाकिस्तान में भी हुई थी लूनर एक्लिप्स. एग्जैक्टली. और बिल्कुल मिस कर दी. यस, मैं सोन मैंने अलार्म क्लॉक तो लगाई थी सही, लेकिन बस पता नहीं कहां मैं नहीं होता मैं बस. लेकिन मैंने मिस नहीं की थी, बहुत मजा आया था और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि किसी ने ड्रॉ किया है. अच्छा, एक्चुअल मून नहीं है वो, ब्लड टाइप ऐसे लगता है कि किसी ने वो एक ग्लास राउंड ग्लास ऑफ ब्लड डाल दिया और ऊपर. एक्जेक्टली, बिल्कुल. अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं. आहा, सी हाई टाइड. सी हाई टाइड ये क्या होता है जी? जब सन मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, सन और मून की ग्रेविटी से हमारे जो ओशन और सीज और रिवर्स की टाइड है ये एक एरिया नॉर्मल रहते हैं. ये तब होता है जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है. मून हमसे वैसे ही क्लोजर है और फिर जब ये फुल मून हो जाता है या न्यू, इनकी इसकी ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है या लेस, इसलिए इसका फिर ये हो जाता है कि हाई टाइड्स जो होती हैं ओशन सीज रिवर्स में वो बहुत हाई हो जाती हैं और लो टाइड्स बहुत लो हो जाती हैं. अच्छा, और यही वजह है कि जब चौदहवीं का चांद होता है तो हम ये देखते हैं कि जैसे कराची में रात के वक्त बहुत ज्यादा हो जाता है. एग्जैक्टली, जब चौदहवीं का चांद होता है तो समंदर जो है वो सही जैसे कहते हैं जोश में आ जाता है. तो वो समंदर जोश में नहीं आया होता, उसकी लहरों को उस पानी को खींच रहा होता है चांद अपनी तरफ. और सन और सन उसमें लड़ाई चल रही होती है. ये इसको भी कहते हैं, मैंने एक खुद वीडियो देखी थी, व्हाट हैपेंस इफ वी ब्लो अप द मून. तो उसके अंदर ये दिखाए थे कि सारी टाइड सन के पास पर आएंगी तो अर्थ का एक पूरा ऑर्बिट करेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओह, तो इसका मतलब है मून ने हमारे अर्थ के सारे सिस्टम को बैलेंस भी किया हुआ है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अगली स्लाइड देखते हैं जी. मून ड्रिफ्टिंग. मून ड्रिफ्टिंग, ओह ये तो वो ड्रिफ्टिंग मैंने तो सुनी है जो कारों की ड्रिफ्टिंग होती है सड़क के ऊपर है. चिंग चिंग चिंग, जो मेरे और गौर जैसे शरारती टीनेजर्स जो हैं वो गाड़ियां ऐसे ऐसे चलाते हैं. अच्छा, ये भी वैसी कोई ड्रिफ्टिंग है? हाँ, वैसी इतनी नहीं है कि शिंग शिंग. ये मून हमारे अर्थ से एवरी ईयर 3.8 सेंटीमीटर ड्रिफ्ट करता है अवे. ये 50 बिलियन ईयर्स के लिए ये करते रहेगा और उस टाइम तक 47 डेज लगेंगे मून को हमारे अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए, जो एक मंथ से ज्यादा है अदर देन द करंट नॉर्मल 27.3 डेज. अच्छा, यानी अब तकरीबन 28 दिन में चांद जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन कितने सालों के बाद? 50 बिलियन ईयर्स के बाद ये साइकिल चांद जो है वो 47 दिन में कंप्लीट करेगा. तो गौर, फिर तो मतलब ये तो इसका मतलब है सब कुछ हर मंथ जो है वो 47 डेज का हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे? नहीं, मून हमारे मंथ को एक्चुअली अफेक्ट नहीं करता. वो जो अर्थ की स्पिन अपने एक्सिस पे करता है, फिर वन डे फिर टू डे. मून का, मून के ऊपर जो लोग रह रहे होंगे उनका एक पूरा ऑर्बिट 47 डेज का होगा. मून पे जो लोग रह, मून पे लोग रह रहे होंगे उस वक्त तक. चल के देखते हैं अगले स्लाइड में. मुझे लग रहा है मार्स पे होंगे, मून पे मेबी मेबी मून काइंड ऑफ मेबी. उस वक्त तक टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाए जी. मून रॉक, ये क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये आपने देखा कि मून रॉक है, ये उसके सैंपल है जो एस्ट्रोनॉट अपोलो मिशन से वापस लाए हैं. अच्छा, मून से उठा के ले आए. मून के ऊपर मून कंबस्टिंग रॉक्स का बना हुआ है और ये इन इसका कोर फुल आयरन का बना हुआ है, जबकि इसका क्रस्ट आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे अदर मटेरियल्स के कंसिस्ट करते हैं. ट्रेसेस, छोटी सी ट्रेसेस है टाइटेनियम, यूरेनियम, पोटेस्टेनियम
और नाइट्रोजन की लेकिन वो निनेनियम और पिशेनियम और टिकेमियन और निनेनियम ये चारों नहीं है उसके अंदर. देखो मैं भी जरा इंप्रेस करूँ ना गौहर को, मुझे भी कुछ नाम आते हैं है ना. ईम 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 यार तुम कैसे याद करते हो ये सारे नाम? मुझे खुद नहीं पता. मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे याद करता हूँ. अच्छा जी अगली स्लाइड. मिशन ऑन मून. और जुलाई 1969 को पे जब फर्स्ट ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट अनमैन मिशन मून के ऊपर सोवियत लूनर प्रोग्राम ने भेजा था. ठीक है. लेकिन तब रशिया और यूएसए की स्पेस रेस हो रही थी. तो फिर यूएसए एंग्री हो गया कि रशिया ने ये सब पहले भेज रहे तो हम क्या करें. फिर जो उस टाइम का करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी, उसने एक सीरीज ऑफ अपोलो मिशन शुरू किए मून लैंडिंग के लिए. फर्स्ट अपोलो मिशन अपोलो 11 गया था जुलाई 1969 पे. वो मून के ऊपर लैंड हुआ. उसके फर्स्ट स्टेप उस मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने लिया और सेकंड स्टेप उस मिशन का पायलट एडविन बज आल्ड्रिन. लेकिन तारीफ में नाम जो है वो नील आर्मस्ट्रांग का रकम हो गया कि फर्स्ट मैन. ये भी है कि इनके साथ एक और पर्सन गया था माइकल कॉलिंस, लेकिन उसका नाम नहीं लिया था क्योंकि किसी को वो जो रॉकेट था ना जिससे वो वापस जाए थे, एक छोटा सा पार्ट रॉकेट का बचा था जिससे वो वापस अर्थ पे जाए, तो फिर उसके अंदर किसी को बैठना था और चलाना था उसको मून के ऑर्बिट करना था ताकि वो स्पेस के अंदर इतना चले जाए, तो माइकल कॉलिंस नहीं जा सका. बेचारा ये मेरी तरह का कोई बंदा होगा ना जिसको ड्राइविंग सीट पे बैठा के भाई तू चक्कर ला असी हो क्या ने है. ओहो और उसका तो नाम अब हिस्ट्री में लिखा ही नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल है उसने भी उतना ही बड़ा काम किया कि उनको ड्राइविंग की उसने इसकी. अच्छा जी नेक्स्ट स्लाइड जरा जल्दी से कहें. मैन ऑफ मून. मैन ऑफ मून ये उन सब पर्सन से आज तक 24 मून के ऊपर पीपल गया लेकिन सिर्फ 12 ने लैंड किया. वो सब अमेरिकन मेल्स हैं और वो सिर्फ अपोलो 11 टिल 17 के मेल्स हैं. इनके अंदर आप देख सकते हैं शुरू में नील आर्मस्ट्रांग है और लास्ट जीनी सरनेन है. राइट सो मैन ऑफ मून यानी चांद के इंसान. हाँ ये अब जमीन के नहीं रहे, हमने चांद को डोनेट कर दिया, लेकिन ये सब के सब वापस आए. ग्रेट. कोई और स्लाइड है? हमारी आखिरी स्लाइड थी. डन. भाई बड़ा मजे की सैर कराई हमें गौहर ने चांद की आज. ओके और साथ ये भी है कि अमेरिकन जो स्पेस एजेंसी है उसके पास अपने ओन रॉकेट हैं. वो ऐसी कंपनीज प्राइवेट कंपनीज जो हैं फॉर एग्जांपल स्पेस एक्स या बोइंग एसटीएस उनसे रॉकेट लेती हैं और वो कहती हैं कि आईएसएस जो स्पेस स्टेशन है हम दो रॉकेट्स पे आपका उसका फुल जैसे टूरिज्म कराएंगे उस फुल स्टेशन का $59 मिलियन का. अच्छा. हाँ वो दो प्लेन दो रॉकेट्स आप जा सकते हैं. एक है स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन और दूसरा बोइंग एसटीएस 1700 या ऐसा कुछ. भाई वेरी गुड इंफॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच गौहर. गॉड ब्लेस यू. हैव अ ग्रेट डे. हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक. आज हमने चांद की सैर की. आपको भी आप जा सकते हैं चांद पे. लेस एक्सपेंसिव है मार्स से और सिर्फ 6 डेज लगते हैं. 3 डेज जाने के लिए 3 दिन जाने और रहेंगे कितने दिन हम? ऐसे एक कदम आप वैसे एक कदम और वापस आ जाएंगे. फर्स्ट एक कदम नहीं फिर मैं उधर जाऊंगा. मुझे आई नीड टाइम. सही है. फर्स्ट पाकिस्तानी ऑफ मून के टीवी शो देख लें. मैं जाऊंगा तो मैंने चांद से बहुत सारी बातें करनी है. हाँ बहुत गिले शिकवे हैं चांद से हमें, वो हम जाके करेंगे. तो एक एक स्टेप पे बात नहीं होगी, कम से कम एक रात वहां पे गुजारनी होगी. और सबसे चीज जिसको मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ ना चांद पे, टाइम कम है फिर किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, वो ये कि जब हम चांद पे पहुंच जाएंगे तो चांद से ज्यादा मैं जमीन को मुड़ के देखना चाहूंगा कि चांद से जमीन कैसी नजर आती है. ग्रेट वॉल चाइना या किस खाना काबा ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो चांद से दिख सकते हैं आप. ग्रेट. थैंक यू वेरी मच गौहर. हमारे पास टाइम कम है, हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन हमारे साथ है. रही मेरे साथ अभी मिलते हैं.
खुशामदीद एक बार फिर ब्रेकफास्ट होम के सेट्स पे। आज डॉक्टर नौशीन एक बहुत ही कारामत किस्म का नुस्खा लेके आई हैं, जो कि कोई जड़ी बूटियों वाला नुस्खा नहीं है, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है जो आप लेके आई हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरा ख्याल था आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगी कि अच्छा जनाब इस डाइट में ये रखे तो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू ये है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आज कोई इस किस्म की बात नहीं हो। आज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक चीज लाई हूँ, क्योंकि हमारे अक्सर फील्ड में सवाल किया जाता है जब हम कहते हैं ना कि 150 ग्राम फिश खानी है या चिकन खानी है या आपने इतना ग्राम आपने कार्ब्स लेना है, तो वो हमारे जो पेशेंट है या अक्सर लोग कहते हैं बस वेइंग स्केल नहीं है, हम किस तरीके से वे कर सकते हैं। तो आज मेरे पास एक पूरा आपके पास कारामद नुस्खा है। सो दीज आर कॉल्ड पोर्शन बॉक्सेस। पोर्शन कंट्रोल बॉक्सेस हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसा कि सबके आगे लिखा हुआ है, पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस पे लिखा हुआ है फ्रूट्स, फिर वेजीज मतलब के सब्जियां, फिर हमारे पास प्रोटीन्स है, इसका मतलब है कि दाल या गोश्त, और इसके अलावा हमारे पास कार्ब्स यानी के रोटी चावल, एंड ये हमारे पास हेल्दी फैट्स है। एक होते हैं बैड फैट्स और एक होते हैं हेल्दी फैट्स, इसका डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है? और ये हमारे पास दो पोर्शन हैं, जिसमें हमारे पास एक में आती है सीड्स और इसमें आते हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है? अच्छा, तो अब करना क्या है? अक्सर आपने सुना होगा कि अगर हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरह हमने दो केले खा लिए या हम दो सेब दिन के खा लें तो ये ठीक है, तो आपने पोर्शन अपना कंट्रोल करना है कि आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपने बॉक्स खोला, इसमें आपने अपना फ्रूट काट के रखा, एंड ट्रस्ट मी इसमें एक सेब से ज्यादा नहीं आएगा या एक केले से ज्यादा। अच्छा। एंड आपने इसको इस तरह नहीं करना कि ऊपर तक लेवल ही हो तो तब पूरा होगा, आप इसमें एक सेब काट के हाँ दबाए जाए दबा के वैसे ही होगा, मेरे जैसा होगा तो ऐसे ही करेगी। तो ये देखिए बड़ा इजी आपके पास ना फ्रूट्स का आ जाता है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि ये एक टाइम का आपका, और ये हाँ ये एक टाइम का मील है आपका पूरा एक टाइम का मील है, ताकि आपको पता हो कि आपकी बैलेंस डाइट है, ठीक है? उसके बाद तो काफी कुछ है वैसे, हाँ, मतलब नॉट बैड सब फुल प्लेटर ना आपका जो। फिर है ये वेजीज मतलब वेजिटेबल सब्जियां, जो आपको सब्जियां पसंद है इसमें गाजर मटर गोभी जो आपको अच्छी लगती है, शलजम चुकंदर जो आपको सीजन की अच्छी लगती है आप इसमें रख सकते हैं, और इसको आप बॉइल्ड स्टीम्ड हल्का सा सौते करके जिस तरीके से भी, ये आपका ये हो गया। उसके बाद प्रोटीन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आता है कि गोश्त किस तरह मेजर किया जाएगा, प्रोटीन्स या दाल बस इतना सा जी? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खेलते नहीं, ये क्या बात है डॉक्टर साहब, बस देख लेना ये, अब पता क्या होता है, होता ये है ये तो मेरा एक नवाल है। तौसीक आप क्या कर रहे हैं फिर, तो फिर आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं? ये फिर गुर की बात है, ये ऐसे तो नहीं हम बताएंगे, ये तो फिर इसके लिए डॉक्टर साहब को हमसे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपकी गोश्त के लिए है, कोई भी किसी किस्म का गोश्त या दाल जिसे प्रोटीन्स कहते हैं ये उसका पोर्शन है, ठीक है? उसके अलावा फिर हमारे पास आता है कार्ब्स। कार्ब्स क्या है? रोटी ब्रेड चावल ब्राउन राइस ब्राउन पास्ता, जो कि वाइट में इसलिए नहीं कहूँगी, पास्ता नूडल्स को कहते हैं इसलिए क्योंकि जो आपके इसमें आएगा वो आपके लिए है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आपने डिवीजन भी करनी है, ठीक है? अब ये आपके पास आ गए हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स में क्या है कि आप मक्खन मार्जरीन नहीं मक्खन, ठीक है एक चम्मच मक्खन इसमें आराम से आता है, इसको फुल नहीं करना, इसमें एक चम्मच आप डालेंगे वो आपकी डेली एक टाइम की रिक्वायरमेंट फुल करता है, ठीक है? या इसके अलावा इसमें नट्स भी आ सकते हैं। अच्छा, हाँ बादाम अखरोट ये सारी चीजें। अच्छा बताइए मक्खन है, हाँ। अब मलाई को या बालाई को हम क्या कहेंगे, वो हेल्दी नहीं फैट वो हेल्दी फैट नहीं है वो, okay. वो ये मक्खन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो आपकी हेल्दी फैट्स में आता है, बलाई जो है वो कॉम्बिनेशन में आ जाती है तो उसको फिर आप इतना भर के नहीं ले सकते इस तरीके, ठीक? उसके अलावा भैया हमारे पास दो होते हैं बेसिकली, ये सीड्स के हैं। सीड्स का क्या है कि या ड्रेसिंग इस पे लिखा हुआ भी होता है, जैसे कि आपके पास हम आपको कहते हैं सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, उसके अलावा हमारे पास हमने पूरा हमने किया था चिया सीड्स और सारा हमने एक सेशन किया था याद है, तो ये सीड आपका एक टाइम का रिकमेंडेड इसमें आ जाता है, ठीक है? अब सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने एक टाइम पे कितना लेना है, सही है? अगर जनरली जो एक हेल्दी पर्सन है या हम 1200 से 1500 के दरमियान अगर हम किसी का डाइट प्लान कैलोरी डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि फ्रूट्स जब आप यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट का रोल आ जाता है, थोड़ा सा हमारा रोल है कि आपने किस तरीके से हम आपको गाइड एक दफा कर सकते हैं। बिल्ली हाँ। शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाएगी, वहाँ पे हमारा रोल आ जाता है। अच्छा ये देखिए अब आपका जो है फ्रूट्स जो है आपने एक लेना है, ठीक है? आपका रेड एक हो जाएगा, आपका वेजीज भी दो होंगे एक टाइम पे दो,
दो, दो ठीक है, रेड एक, हाँ, फ्रूट का फ्रूट एक है, वेजीज, वेजीज के, दो हो गए। अब प्रोटीन्स आपका जो सवाल था, तो प्रोटीन्स आपकी दो से तीन सर्विंग होती हैं। शुक्र है, मैं तो डिप्रेशन से ही। हाँ, अच्छा, प्रोटीन्स आपकी अगर 1200 से 1500 कैलोरी के दरमियान है तो ये आपकी तीन सर्विंग्स है। कार्ब्स का एक ही आता है, ठीक, कार्ब्स का एक है, और इसका भी ब्लू वाला जो आपके हेल्दी फैट्स है इसका भी एक आता है, और सीड्स भी एक आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक मुझे दिखाइएगा जरा, मिसाल के तौर पे ये मैं देख रहा हूँ कि इस पे फ्रूट्स लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ है, तो ये चीज आसानी से बाजार में मिल जाती अब है, मिल जाती है बड़े छोटे शहरों हर जगह पे। इसको आप ऑनलाइन, बेसिकली ऑनलाइन ज्यादा आपको मिलेगी, इस तरह रेडिली दुकानों पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाती है। और इसको कहते हैं पोर्शन कंट्रोल बॉक्सेस, पोर्शन कंट्रोल बॉक्सेस है, ये ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जिंदगी में काफी आसानी, बहुत आसानी हो जाएगी तौसीक, क्योंकि अक्सर लोगों को कहते हैं हमारे पास किचन वेइंग स्केल नहीं है, हम किस तरह से वे करें, तो अगर आप ये बनाएंगे तो आपके पोर्शन कंट्रोल है, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको कोई डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं, अगर आप ना पोर्शन कंट्रोल भी करेंगे विद इन 1 to 2 months यू विल गेट टू सी रिजल्ट ऑन योर बॉडी। क्योंकि जो हमारा साउथ एशियन और ईस्टर्न जो फूड है उसके अंदर एक बड़ा मसला ये है कि हमने आलू कीमा डाला, इधर से गरम गरम चपाती आ रही है, आपको कुछ पता नहीं, आपको कुछ अंदाजा नहीं आपने कितना आलू खाया, कितना कीमा खाया, कितनी चपाती खा ली है। हाँ। किसी घर में बड़ा फुलका बन रहा है, किसी में छोटा फुलका बन रहा है, सो वो पोर्शन का अंदाजा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता, हम खाए चले जाते हैं। यही बात है बिरयानी की, या चावल पे दाल खा के आपके पास बिरयानी ये है डॉक्टर साहबा, ये तो आप बिल्कुल दिल दहला देने वाली आपने बात की, इतनी बिरयानी से तो अभी, लेकिन बाकी चीजें भी तो ना आपके पास, बाकी चीजें भी तो है ना। Exactly, but नहीं, on a serious note, कि इस तरह की चीज खासतौर पे हम लोग जिस तरह के खाने खाते हैं ऐसे में, क्योंकि जो वेस्टर्न खाने हैं उसके अंदर फिर भी एक अच्छा भी ये स्टेक है, इतने ग्राम की स्टेक है, या आपने एक स्टेक खाई है, या आपने फिश खाई है, या जो भी है, उसमें कंट्रोल करना या उसमें काउंट करना, मेजर करना आसान होता है। तो अगर हम ये करेंगे तो इट इज द इजीएस्ट वे टू लूज वेट एंड मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस डाइट, आपका तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये भी ध्यान में रखें, ये ना कि इस डब्बे के अंदर हम, डॉक्टर साहब ने कहा था डब्बा तो वही है, चले सबसे बड़े वाले में निहारी है, अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है, साथ साथ वो पका हुआ क्या है और किस तरह से पका हुआ है उसका ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा साउथ स्टाइल में या बॉयल स्टीम कर ले, स्टीम कर ले, एग्जैक्टली अपने टेस्ट के मुताबिक आपके लिए, और जो प्रोटीन है, जो गोश्त है, उसको भी आप ग्रिल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, हल्का सा उसको वो एक चम्मच तेल में फ्राई भी कर सकते हैं, नो बहुत से तरीके हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ताकि आप उसको खाने के काबिल बनाएं, ये ना हो कि आपको सजा मिल रही है। आप अपना फूड जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं, आपको खुद बहुत मजा आए, यू विल एंजॉय इट, सब कुछ आपको मिल रहा है। देखिए इसमें आपने देखा है आपको किसी चीज से डिप्राइव नहीं किया जा रहा, बिल्कुल भी किसी चीज से डिप्राइव नहीं है, और हर मील में, हर मील में, और आपका जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा हमेशा ये होता है, डू नॉट डिप्राइव योर सेल्फ, डू नॉट गो इनटू अ स्टार्वेशन मोड, क्योंकि स्टार्वेशन से आप, यू डोंट लूज वेट, और आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं होता। ग्रेट डॉक्टर नौशीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर ब्रेक, और ब्रेक के बाद जैसा कि मैं आपको प्रोग्राम के आगाज में बता रहा था कि हम आज बात करने वाले हैं कि भाई 40s क्रॉस करने के बाद मतलब क्या जिंदगी मुकम्मल नहीं रह सकती, कि अगर हम अपने क्रो फीट, अपने रिंकल्स, फ्रैकल्स, अपनी एजिंग लाइंस को एक्सेप्ट कर लें, या कोई ऐसा तरीका हो कि उससे उसके साथ हम ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए, बजाय इसके कि हम हर तरह के इंजेक्शंस और दवाइयां और मशीनों की नज़र अपने चेहरे को कर दें, और फिर कुछ अरसे के बाद पता लगे कि एक प्लास्टिक का तौसीक हैदर आपके सामने बैठा हुआ। इस हवाले से बात होगी, रही हमारे साथ, अभी मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि आज के सेशन में मैंने ये जान लेना है कि कुछ अरसे के बाद, या हो सकता है फौरन ही, मैं अपने चेहरे के ऊपर बहुत से कोई बोटॉक्स, कोई इंजेक्शंस, कोई फलानी थेरेपी और फलाना लेजर और फलाना ये करके कितने अरसे के बाद एक 18 साल का तौसीक हैदर बन जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अर्मीला जावेद मौजूद है, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए. थैंक यू वेरी मच. और ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन था जो मेरे दिल में भरा बैठा था, और आज आप इसका बिलियन डॉलर आंसर दे दें कि क्या मैं 18 साल का लग सकता हूँ. देखिए, अगर आप विश करते हैं तो विद इन 3 डेज 18 साल का तौसीक इधर बैठा होगा. सीरियसली? जी बिल्कुल. इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस. काउंट कर लें, उसके बाद का जो शो है वो 18 साल के तौसीक के अंदर करेंगे. बिल्कुल, 3 दिन हमें चाहिए. उस 3 दिन में क्या क्या करेंगे आप? उस 3 दिन में हम आपको बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड सब कुछ कर देंगे, और उसके बाद 18 साल का तौसीक बैठा होगा, लेकिन चेहरे से. हाँ, ये बात सही है. नहीं, वो चेहरा भी आप कर दें तो मैं हाईनेक पहन लूंगा. हाईनेक पहन लेंगे. अच्छा, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर साहब, जब ये सब कुछ लोग करवाते हैं तो उसके बाद वो एक अजीब प्लास्टिक की सी एक शक्ल निकल आती है. तौसीक हंसता तो ऐसे करके ना, खिंचा खिंचा सा. वो तो उसका क्या फायदा ऐसे हुस्न का? तौसीक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो अभी हमने नाम लिया और हम हंस रहे हैं कि हम लोग बोटॉक्स कर लें, फिलर्स कर लें, थ्रेड्स कर लें, ये सारी चीज़ों को आप यूज़ भी कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, और अब्यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि फिर आपको अच्छाई की बजाय गलत तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ करें फॉर योर फेस. मतलब आपको ग्रेसफुल लगना चाहिए, अपनी उम्र के मुताबिक दिखना चाहिए, सिर्फ एक हेल्दी स्किन मेंटेन करनी चाहिए. मेरा कॉन्सेप्ट जो है डर्मेटोलॉजी में, खासतौर पर एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में, वो ये है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें. हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी एक हेल्दी बॉडी होगी, एक हेल्दी माइंड होगा, और एक हेल्दी स्किन होगी. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. हम इसको इग्नोर करते हैं, हम स्किन को ऑर्गन समझते ही नहीं है. आपने यूजली सुना होगा कि जिगर के अमराज की बात हो रही है, मैदे की बीमारियों की बात हो रही है, मैदे को कैसे अच्छा रखा जाए, दिल को कैसे ठीक रखा जाए, दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए, वॉक की जाए, वर्जिश की जाए, डाइट में ये लिया जाए. हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि एक हेल्दी और यूथफुल स्किन कैसे मेंटेन की जाए. ठीक, ये हमने बहुत कम सुना है. हम हमेशा बात करना शुरू करते हैं तो हम ब्यूटी से बात करना शुरू करेंगे, हम रिंकल से बात करना शुरू करेंगे, एंटी एजिंग से बात करना शुरू करेंगे. Exactly. हम बात कभी करना शुरू करेंगे ही नहीं फ्रॉम हेल्दी स्किन, हेल्दी लाइफस्टाइल. बात हमेशा हमें यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी एजिंग. क्योंकि देखिए, अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, जो भी आपने पोर्शंस की बात की, आप वॉक कर रहे हैं, आप अर्ली राइजर हैं, आप जल्दी सोने की आपको आदत है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ना सिर्फ आपके दिल को अच्छा रखेंगी, आपके स्किन को अच्छा रखेंगी, आपके जिगर के अमराज से आपको बचाएंगी, आपके ओवरऑल आपकी मशीनरी को, जो बॉडी की मशीनरी है उसको ठीक रखेगी. तो वो जो हम एक हमेशा बचपन से अंग्रेजी में सुनते चले आए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन healthy, wealthy and wise and beautiful too. And beautiful too. Yes. So वो healthy उसमें सबसे पहले आता है. जी. कि early to bed, लेकिन रात को देर से सोना अब हमारी जिंदगी का एक lifestyle का हिस्सा बन गया. जी. और हम बड़े फख्र से बता रहे होते हैं, हाँ, 2 बजे सोए थे, 2 बजे, 3 बजे. जी बिल्कुल. So मेरा ख्याल है कि पहली टिप तो ये है डॉक्टर अर्मीला की बात से कि जल्दी सोना शुरू करें, ताकि फ्यूचर में जब आप 40 क्रॉस करें उसके बाद आपको कोई बोटॉक्स और कोई फिलर्स और इन चीज़ों की कम जरूरत पड़े. क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं, तो सीख देखें, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं आपने करवानी ये चीज़ें. आपको एट वन पॉइंट ऑफ योर लाइफ आपको जरूरत पड़ सकती है. सो लेट्स कीप द डोर्स ओपन. एंड ये जो हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर साहब लफ्ज की जरूरत पड़ सकती है. जी. अब ये आंख के गिर्द जिसको हम क्रोफीज कहते हैं, यानी कव्वे के पंजे, ऐसे 3 लाइनें ऐसे निकल आती जब खासतौर पर आप स्माइल करते हैं, ये किसने तायुन किया, ये किसने फैसला किया, ये मयार किसने रखा कि ये अच्छी चीज नहीं है? ये तो उम्र के साथ अगर नेचर ने आपके चेहरे को दी है तो व्हाई नॉट. जी बिल्कुल. आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो सीख एक्चुअली जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स है ना, या चेहरे को कौन सा चेहरा खूबसूरत है या नहीं है, इसका तायुन जो है ना वो अल्लाह पाक ने बहुत पहले कर दिया हुआ है. और उसका तरीका ये है कि हम एक नज़र डाल दें किसी भी चेहरे पे और डिसाइड कर लेते हैं कि ये खूबसूरत है या नहीं. उसमें लाइनों का कोई रोल नहीं होता. बेसिक जो पैरामीटर्स अब डिस्कवर हुए हैं साइंस से, रिसर्च से, और बहुत सी चीज़ें स्टडी करने के बाद, वो ये चीज़ फाइनल 2011 में एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश हुई है कि आप किसी भी चेहरे को देखते हैं, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन ऑरिजिन का हो, चाहे वो यूरोपियन ऑरिजिन का हो, साउथ ईस्ट एशियन हो, या फिर वो फार ईस्ट का हो, हमारा दिमाग हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स बता देता है कैलकुलेट करके कि ये खूबसूरत है या ये कम खूबसूरत है. मैं किसी भी चेहरे को बदसूरत नहीं कहती, बिकॉज एवरीबडी, हर चेहरा अल्लाह पाक की एक तख्लीक है. लेकिन ये कम खूबसूरत है या ये खूबसूरती के पैमाने पे ऊपर है, इसको हमारा दिमाग डिसाइड करता है.
और दिमाग का काम है वो कैलकुलेट करता है, उसको और कोई जबान नहीं आती, ना उसको मेकअप समझ आता है, ना उसको क्रोस फीट समझ आते हैं, ना उसको समझ आता है कि आईब्रोज की प्लकिंग हुई हुई है, ब्राउन है या गोल्डन है। अच्छा। बात यह कि हमारे दिमाग ने उसको एक कंप्यूटर की तरह असेस करना है, और उसमें हमारा जो चेहरे है, चेहरे को हमने डिवाइड किया हुआ है अपर थर्ड्स के अंदर एंड हॉरिजॉन्टल में, हमने वर्टिकल में पांच छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और ब्रेन उसी तरीके से एक कंप्यूटर की तरह उसको एनालाइज करता है। जी बिल्कुल। और उसका एक स्केल है, और स्केल के ऊपर बताता है कि इसकी इस चेहरे के अंदर प्रोपोर्शन कितना है, हारमोनी और बैलेंस कितना है, और इस चेहरे के अंदर हारमोनी और बैलेंस है या नहीं है। और हम लोगों ने 7 डिफरेंट कैटेगरीज पैमाने के जो है ना स्टैंडर्ड्स बनाए कि चेहरे की शेप ऐसी होनी चाहिए, आईज़ कैसी होनी चाहिए, आईज़ के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आपका जो लैटरल कॉर्नर ऑफ आई है इसको खुला होना चाहिए, क्रोस फीट की वजह से वो क्लोज हो जाता है, जब आप स्माइल करते हैं और क्रोस फीट आती है तो आप देखें कि ये जो कॉर्नर ऑफ आई है क्लोज हो जाता है, और वो ब्रेन उसको ब्यूटी के स्टैंडर्ड पर परसीव नहीं कर रहा होता। तो ये रीज़न है खुद ब खुद ही कर लिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने कैलकुलेट करना है आपको चेहरे को देखते साथ कि ये खूबसूरत है या कम खूबसूरत है। और ये अभी मैंने एक कोई 4-5 दिन पहले ही एक जो मैंने पेपर प्रेजेंट किया है अपनी कॉन्फ्रेंस में, उसमें यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन ने विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बता देना है हमें कि आपको उसने पसंद करना या नहीं पसंद करना। ग्रेट। डॉक्टर अर्मीला जावेद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, इनसे गपशप का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा शोरिया ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं इनसे बात करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जिस वक्त बहुत ही जोरों शोर से, खास तौर पे पिछले 5 से 10 साल में हम देखते हैं कि बहुत जोरों शोर से तहरीक चल रही है कि जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि गोरा रंग, चांद सा चेहरा, इस हवाले से कि कलर के हवाले से किसी को जज नहीं करना, इस हवाले से डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को डॉक्टर साहबा कहाँ देखती हैं, क्योंकि अगर ये तहरीक कामयाब हो गई तो बहुत सी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स जो हैं उनका दिवालिया भी हो सकता है। रही मेरे साथ, अभी इस मौजू पे बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अर्मीला जावेद मौजूद है जो कि एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट है, यानी कि उर्दू में इसको कहें तो माहिरे अमराज़ जिल्द। जी जी ऐसे ही ना, कैसी उर्दू, मैंने सही बताई कि तर्जुमा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहरीक चल रही है कि किसी के रंग को बदलने के हवाले से जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल की जाती है ये अनएथिकल है। जी आप किस पे क्या टेक है, क्योंकि लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, को आप भी इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन तौसीक जब मैंने आपको बोला ना कि एक हेल्दी स्किन क्या होती है, एक हेल्दी स्किन क्या है, और एक जो मैंने ब्यूटी के पैरामीटर्स बताए थे, ब्यूटी के पैरामीटर्स में ट्रस्ट मी हमारा कहीं पर भी ये जिक्र नहीं होता कि एक अफ्रीकन या डार्क स्किन वाला शख्स जो है वो खूबसूरत नहीं है। ये हम लोगों के सेल्फ क्रिएटेड एक मेरे ख्याल में एक टैबू है माशरे का कि हम सिर्फ जिसका रंग गोरा है या बहुत ब्राइट है हम उसी को खूबसूरत कहते हैं, और जो ब्राइट नहीं है उसको हम खूबसूरत नहीं कहते। बिकॉज ये जो 7 पैरामीटर्स डिफाइंड है ना 2011 में, जो मेडिकली डिफाइंड है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं उनके अंदर कहीं पे स्किन के रंग का जिक्र नहीं है। क्लियर स्किन उसका पैरामीटर है, क्लियर स्किन, एंड क्लियर स्किन इज़ अ हेल्दी स्किन। उसका मतलब है कि चेहरे पे फ्रेकल्स ना हो, चेहरे पे मेलाज्मा ना हो। फ्रेकल्स और मेलाज्मा को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो आप अपना रंग नहीं छेड़ रहे हैं, आप अपनी दाग धब्बे दूर कर रहे हैं चेहरे के। आप भी अक्सर ये हमारे जो बहुत से मॉर्निंग शोज हैं इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में, उसमें मैंने देखा आप जाती रहती हैं, तो वहां तो बस एक हुसन परी बनाने का एक फौरन इंस्टेंट सॉल्यूशन भी दिया जा रहा होता है, और उसके बाद शादी भी हो जाएगी लड़की का, रिश्ता भी आ जाएगा। तौसीक मैंने बड़ी दफ़ा ये जिक्र किया है कि देखिए हम लोगों को ये एक जो हम लोगों ने बनाया हुआ ना अपने माइंड में चीज़, और फिर हम लोग वो कन्वे भी कर रहे हैं लोगों तक
कि हमने गोरा ही होना है, हमने गोरे ही होने वाला टीका लगाना है, हमने गोरे होने वाली क्रीम्स लगानी है, इसके अलावा तो गुजारा ही नहीं है। एंड सबसे बुरी चीज़ जो है वो ये है कि देखिए मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल के ज़माने में। जो घर बैठी हमारी आवाम है ना, वो हमारी बात को समझती ऐसे लेती है कि जैसे हमने जो बात कह दी वो ऑथेंटिक तरीन बात, पत्थर पे लकीर हो, ठीक है, और उसने उसको ब्लाइंडली फॉलो भी करना है। अब बात यह कि जब हम सामने बैठ के एक गोरे होने वाला टीका इंजेक्ट कर रहे होंगे, सो जो दूर इलाके में बैठे हैं, शहर में लोग दूर शहरों में बैठे हैं, उनको क्या मैसेज जा रहा है कि फ़ौरन बड़े शहर भागें, इस डॉक्टर के पास जाएं और ये टीका लगवा लें एंड वील बी डन। बात सुने जी, ये जो गोरे होने वाला टीका ना, एक्चुअली ये गोरे होने वाला टीका नहीं है, इसको आपने समझना है कि ये एक एंटी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अच्छा, ठीक है। एंटी ऑक्सीडेशन ये होती है कि आपने जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है उसको आपने रिपेयर प्रोसेस में डालना है। जब आपकी बॉडी रिपेयर प्रोसेस में डलेगी, स्किन रिपेयर की तरफ जाएगी, उसकी वजह से आपका मेलानिन कंट्रोल होता है। मेलानिन जो होता है वो पिगमेंट होती है स्किन की, जो आपको कलर देता है स्किन के ऊपर, लाइट कलर, डार्क कलर, ज़्यादा डार्क कलर, वो हर एक का डिटर्मिंड होता है, अल्लाह ताला ने डिटर्मिन किया होता है। जब आप ये चीज़ें लेते हैं जिसमें विटामिन सी आता है, ग्लूटाथायोन आती हैं, ये चीज़ें जब आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं या खाते हैं गोलियों की फॉर्म में या जिस भी सूरत में बॉडी बनाती है अगर ये चीज़, तो आपकी स्किन क्लियर हो जाती है। डॉक्टरों का फ़र्ज है मेरे ख्याल में जो मॉर्निंग शोज़ पे आ रहे हैं, एंड होस्ट का भी फ़र्ज है कि वो ये एजुकेट करें लोगों को कि ये गोरा करने वाला टीका नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स खराब नहीं करें। के इंजेक्शन भी ऑन एयर लग रहे होते हैं, फिलर्स भी लग रहे, बिल्कुल फिलर्स एंड बोटॉक्स भी ऑन एयर, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये अनएथिकल है एंड आई हैव नेवर डन इट, एंड आई ऑलवेज से कि इसको लाइव टीवी के ऊपर इस एनवायरनमेंट में दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एनवायरनमेंट चाहिए होती है बोटॉक्स एंड फिलर्स करने के लिए, जो कि एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसके लिए काउच होता है, प्रॉपर लाइट्स होती हैं, आपकी प्रॉपर स्टरलाइजेशन होती है, बिल्कुल उसके बगैर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। आप इसकी वीडियोज जो बनी हुई है, अगर आपके ऑफिस में बनी हुई वीडियो है, आप वो ज़रूर प्ले करें, बट आप आवाम के सामने वहाँ पर ये ना करें कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, जस्ट टू गिव देम अ मैसेज कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, आसानी से करने वाली चीज़ है, और आप उसको अपने स्टूडियोज के अंदर कर रहे हो। आई डोंट एग्री टू दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि इस वक्त जो आप जिस तरह का काम कर रही हैं, माशाल्लाह आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का जो एस्थेटिक साइड है उसके अंदर यू आर वर्किंग, इसमें तो सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारा एक सेगमेंट भी है एक्सरसाइज का, जिसमें ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना जिक्र कर रहे होते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल से जिम के जरिए, अपनी न्यूट्रिशन के जरिए किस तरह पेट को कम किया जाए, लेकिन पेट की चर्बी को निकालने का जो ऑपरेशन है उसको आसान लफ्जों में क्या कहेंगे? लाइपोसक्शन। लेकिन नहीं, लाइपोसक्शन आई थॉट कि मुश्किल है, उसका भी कोई आसान नहीं, मतलब लाइपोसक्शन आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। हां जी, अब तो सारे लोग जानते हैं। अब लोग सारे जानते हैं। इसमें होता यह है कि पेट से चर्बी को निकाल लिया जाता है। ये कितना सेफ है, कितना एथिकल है, क्या ये आसानी से हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, साइड इफेक्ट्स क्या है? एक्चुअली तो सीख ये एक सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि प्रोसीजर्स की सेफ्टी प्रोफाइल क्या है। कोई भी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है उसकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अच्छा लगने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप कोई ऐसी बीमारी साथ ले आए या कोई कॉम्प्लिकेशन ले आए, तो उसका क्या फ़ायदा फिर? बिल्कुल, मतलब आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो कोई गुर्दे की सर्जरी नहीं है या लिवर की सर्जरी नहीं है कि अवॉइड नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहली वही बात कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, खुराक का ख्याल रख रहे हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रख रहे हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की तरफ जाने की। लेकिन जस्ट सपोज अगर आपको ज़रूरत पड़ गई है और फालतू चर्बी है पेट के ऊपर ड्यू टू एनी रीज़न, चाइल्ड बर्थ के बाद ख़वातीन का पेट क्योंकि वैसे भी लूज़ हो जाता है, बहुत फैट भी आ जाती है, लेज़ीनेस भी हो जाती है, दे वॉन्ट टू रिटर्न टू देयर शेप, या कोई और वजह है जिसके बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली आपने वज़न लूज़ कर दिया, तो स्किन अगर आपकी लटक चुकी हुई है तो वहाँ पर फिर आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। लाइपोसक्शन ऑफ कोर्स एक तरीका है कि किसी जगह पर एक्स्ट्रा फैट जमा हुई भी है, आप जिम भी कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और वो छोटा सा फैट पॉकेट नहीं जा रहा, तो आप उसको लाइपोसक्शन के ज़रिए से कम कर सकते हैं। लेकिन लाइपोसक्शन वेट रिडक्शन का तरीका नहीं है। ये भी अच्छा। बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि हम ह्यूज हैं तो हम जाएंगे सर्जन के पास और हम पतले हो जाएंगे, सारी की सारी फैट निकाल लेंगे। एक वक्त में मैक्सिमम भी जो वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, वज़न की बात नहीं कर रही, जो वॉल्यूम आप कम कर सकते हो या निकाल सकते हो वो मैक्सिमम एट द हाईएस्ट अगर चले जाए तो वो 5 लीटर से ज़्यादा कोई भी सर्जन जो सेफ
जो अपनी सेफ्टी प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता है इससे ज़्यादा रिमूव नहीं करेगा. एंड 5 लीटर से आपका वजन कम नहीं होता, सिर्फ आपकी जो बेल्ट साइज है उसमें इंचेस का फर्क जरूर आएगा बट आपका वजन कम नहीं होता. तो सीख बाजुओं से आप एक वक्त में फैट रिड्यूस कर सकते हो, टमी से कर सकते हो, साइड से कर सकते हो, और जो भी अच्छा सर्जन होगा, सेफ सर्जन होगा, वो आपको यही मशवरा देगा कि पहले आप वेट लूज करें, एक आप अपनी स्टेमिना बिल्ड करें, थोड़ी वर्जिश करना शुरू करें, उसके बाद आप सर्जरी की तरफ. तो मेरा ख्याल है कि टू सम इट अप, टू सम दिस पॉइंट अप, बेहतर आप यही कहेंगी कि बेहतर है कि डाइट के जरिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के जरिए ही वजन को कम किया जाए, जाएं, अच्छा इन चीजों में ना ही पड़े तो जी, बहुत मजबूरी हो तो मजबूरी हो, जब आपका बिल्कुल वो जगह आपकी एक ऐसी रेजिस्टेंट फैट आ जाती है जो वो पॉकेट नहीं रिमूव हो रही, देन यस ऑफ कोर्स फिर आप जाएं और उसके सेफ्टी बिल्कुल, और अपने डॉक्टर को पहले सर्च करके जाएं, प्लीज सर्च करके जाएं अपने डॉक्टर को रैंडमली. और प्राइस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोग प्राइस के पीछे मार्केट में घूमेंगे और ढूंढेंगे कि सस्ता काम कौन कर रहा है. प्लीज इसके ऊपर मैं आवाम को कहूंगी कि देखें, सस्ता अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर हो, क्योंकि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारी रेगुलेशन इतनी नहीं है ना स्ट्रॉन्ग. डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा मशहूरियां ब्रेक, आपको पता मशहूरियां भी बहुत जरूरी है, कमर्शियल ब्रेक छोटा सा जी, उसके बाद अभी मिलते हैं, रही मेरे साथ. डॉक्टर अर्मीला जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. आज हमने सोचा कि डॉक्टर साहब को बुला के, मेन काम तो आपको बुलाने का ये था कि मैं कितने दिन में 18 साल का हो सकता हूँ, वो तो आपने बता दिया 3 दिन में, लेकिन साथ ही साथ हमने सोचा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, अपनी स्किन के हवाले से, बोटॉक्स के इंजेक्शन, फिलर्स के इंजेक्शन, ये चीज़ें हर वक्त, इस वक्त आपको FM रेडियो सुने उस पर इश्तहार चल रहे हैं, टेलीविजन मॉर्निंग शोज देखे उसमें लोगों को लिटाया हुआ है, और जनाब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, और जिंदगियां बदली जा रही हैं, और शादियां हो रही हैं रंग गोरा हो जाने से. इस सारे इशू को मैं और मेरी टीम एक खास नजर से देखते हैं, और इसी हवाले से हमने डॉक्टर साहबा को कहा कि आए और इस पे जरा ओपनली बात हो. एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ चीजों को हमारे सामने रखा है. लेकिन एक चीज जो आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, मेरा तो जहर वो मसला नहीं है लेकिन कुछ मेरे टीम के लोग हैं जिनका वो मसला है, और हम चाह रहे हैं कि आपसे वो बात हो, और वो है हेयर ट्रांसप्लांट. क्या सर पे बाल ना होना और सर पे बाल होना, ये मयार भी किसने रखा कि वो हसीन है जिसके बाल है और वो हसीन नहीं है जिसके बाल नहीं है? अगेन वही जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए थे ना, उसमें फोरहेड हाइट मैटर करती है कि आपका फोरहेड का साइज क्या है. कि जब आप बाल लूज करते हो तो आपका फोरहेड का साइज चेंज हो जाता है, माथा पीछे चला जाता है. तो इसलिए जो आपका दिमाग है, अगेन दिमाग का प्रॉब्लम है, वो परसीव करता है उसको कि शायद ये एज फैक्टर ज़्यादा आ रहा है, या शायद ये जो है ये शक्ल उतनी ज़्यादा बैलेंस या हार्मनी में नहीं है. सो हेयर ट्रांसप्लांट का भी जो मेन मकसद होता है वो तौसीक, हम सारे बाल वापस नहीं ला सकते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट में हम पीछे से बाल को निकाल के फ्रंट हेयर लाइन को बेहतर कर देते हैं कि आपकी एक प्रोफाइल में और फ्रंट पे जो आपके देखने में एक लुक है वो बेहतर हो जाए. बहुत हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी गुड सर्जरी. इससे वाकई आपका एक जो लुक है वो चेंज होता है. एंड ये एक इम्पैक्ट जो होता है ना, कि एकदम से जो पहला इम्पैक्ट आता है कि कम्प्लीटली बाल्ड इंसान हो और थोड़े बाल हो, तो उसमें डेफिनेटली जब आप बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स देखते हैं तो आपको अंदाजा. लेकिन ये इस वक्त सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने देखा बहुत बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान के, उनके साथ भी बड़ा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. क्या क्या 2-3 क्विक टिप्स के किन चीजों का ख्याल रखना? सबसे पहली बात ये कि वही जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम लोग प्राइस के पीछे जो है ना अपना डॉक्टर गलत चूज कर लेते हैं, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है. ये भी ना करें कि बहुत ओवर प्राइस्ड डॉक्टर के पास आप जाएं, लेकिन अपने डॉक्टर को पहले थोड़ा सा उसकी वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर प्रोफेशन. हमारा जो प्रोफेशन है उसमें जो लोग हमसे मिल के गए होते हैं, काम करा के गए होते हैं, इलाज करा के गए होते हैं, वो आपको बहुत वो बहुत आपको सही गाइड कर सकते हैं कि इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं. दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ इज़ द वन की फैक्टर. नंबर 2 इज़ दैट खुद भी सर्च करके जाएं, डॉक्टर के पास जाके मुलाकात करें, 2-3 डॉक्टरों से मशवरा लें, सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है. मेरे पास जो लोग आते हैं वो डरते हैं मुझे दूसरे डॉक्टर की फाइल दिखाते हुए, एंड आई एम वेरी ओपन कि अगर आप किसी से मिल के आएँ इट्स वेरी गुड, आप मेरे बाद भी किसी से जाके मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत का मामला है, ये आपने इसमें रश नहीं करना.
और सेहत का ऐसा मामला है जो कि इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, वो जिंदगी भर पर ग्रो होते रहते हैं बाल? जी, वो बाल आपके जिंदगी भर ग्रो होते हैं अगर आपकी सर्जरी सही हुई है। आपके वो बाल सारी जिंदगी ग्रो करते हैं क्योंकि जो अल्लाह ताला ने पीछे बाल दिए होते हैं ना, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, जो मर्द हजरात हैं उनके जो बैक में बाल होता है वो उनके हार्मोन के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेल हार्मोन के साथ। क्योंकि ये जो फ्रंट से हेयर लाइन आप लूज करते हैं, इट्स बिकॉज आपका जो मेल हार्मोन होता है वो फ्रंट के बालों को गिरा देता है कुदरती तौर पे। पीछे के बालों के अंदर वो वाले रिसेप्टर्स नहीं होते उतने स्ट्रांग, तो वो बाल आप मेंटेन करते हैं। जो आपके यहाँ फ्रंट पे ऑलरेडी बाल होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड बाल होगा वो नहीं आप लूज करते हैं। एंड इसके अलावा तौसीक, अगर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाने की ज़रूरत तो बहुत से और तरीके आए हुए हैं, लाइक PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उससे जिनके बाल थोड़े थिन हो रहे हैं वो मेंटेन कर सकते हैं हेयरलाइन को। ठीक है। बहुत अच्छी मल्टीवाइटामिन्स अवेलेबल हैं, रिसर्च मल्टीवाइटामिन्स, जिससे आप बाल मेंटेन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक लेटेस्ट तरीका है कि हम हल्का सा बालों के अंदर एक साल के लिए स्किन को कलर कर देते हैं, एक साल के लिए सिर्फ। अरे वाह। जिस तरह से ये आईब्रो टिंट होती थी उसी तरह का एक सेमी परमानेंट कलर है जो आपके बालों के, जैसा लोग कुछ कलर लगा लेते हैं या सुरमा लगा के थोड़ा सा, तो वो एक साल के लिए, छह महीने के लिए वो कलर आपकी स्कैल्प के अंदर रहता है, फिर वो वॉश ऑफ हो जाता है। कुछ लोग वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी हैं उनको छिड़क लेते हैं, टॉपिक वगैरह की तरह की चीजें हैं, तो उससे बेहतर है कि वो रोजाना करने से बेहतर है कि आप 6 महीने के लिए अपनी स्कैल्प को हल्की सी एक टिंट दे दें। और बहुत ज्यादा सर्जरी वर्जरियों से आप बच सकते, अगर अगर आप अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, इट्स इमेंस प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट्स, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बहुत कुछ आपने हमें सिखाया भी और ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन के हवाले से चीजें बताई और हमें गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। हम चलेंगे और अब कहेंगे आपको खुदा हाफिज, और जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर आपसे कल सुबह 7:15 पे और सुपहर 4 बजे PTV होम पे और PTV ग्लोबल, PTV ग्लोबल US और UK में सुबह 8 बजे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।